तो आज हम लोग जिस फ़ोन का बात करने वाले हैं वो फ़ोन 15 जून को ही लॉन्च हो चुका है। हालांकि ये अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन अदर कंट्री में लॉन्च हो चुका है। इस फ़ोन का नाम है Redmi 12, जो कि Redmi 11 का सक्सेसर फ़ोन है। तो चलिए इस फ़ोन को अनबॉक्सिंग करते हैं, और ऐसी अनबॉक्सिंग वीडियो हमारे चैनल पर सबसे पहले आती है। तो ऐसे ही अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी कोई नया फ़ोन लॉन्च हो तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग वीडियो देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले डब्बे को अनबॉक्स करते हैं। तो इसमें देखने को मिलता है हमारा फ़ोन, और इसके साथ देखने को मिलता है 18 वाट का चार्जर और एक USB टाइप सी केबल। और इसके साथ जो इस डब्बे में भी खोल के देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो इसमें एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है, और कुछ किताबें जो कि कोई तो पढ़ता है नहीं, फालतू में दिए रहते हैं, लेकिन काम का चीज़ रहता है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और इसके साथ हम लोगों को देखने को मिलता है एक ट्रांसपेरेंट केस, जो कि मुझे तो देखने में इसका क्वालिटी अच्छा ही लगा। हालांकि अच्छा है ही, लेकिन ये भी कुछ समय बाद पीला कलर का हो जाता है, जो कि कुछ समय बाद देखने में अच्छा नहीं लगता है। ये मेरे को ये सब ट्रांसपेरेंट केस का एक ख़राब आदत लगता है, आदत नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ख़राब ये चीज़ है उसका। तो सबसे पहले आप इसके बिल्ड क्वालिटी को देख लो। इसमें बैक जो है वो ग्लास पैनल का दिया हुआ है, और नीचे में रेडमी का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। इसके साथ अगर हम लोग डिस्प्ले की बात करते हैं, तो इसमें IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और इसके ब्राइटनेस की बात करते हैं, इसमें 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी हुई है। और इसके डिस्प्ले साइज की बात करते हैं, तो 6.79 इंचेज का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, इसमें एंड्रॉयड 13 के साथ MIUI 14 आता है। और इसके प्रोसेसर की बात करते हैं, MediaTek Helio G88 प्रोसेसर आता है, जो कि 12 nm पर बेस्ड है। हालांकि अब फोन्स में बहुत सारे फोन्स में 4 nm तक प्रोसेसर चले गए हैं, लेकिन इस फोन में अभी भी 12 nm का प्रोसेसर दिया गया है। आपको ना इंटरनल स्टोरेज 128 GB को देखने को मिलने वाला है, और रैम की बात करते हैं 4 GB देखने को मिलने वाला है। बस एक ही वेरिएंट अभी तक लॉन्च हुआ है, बाद में अलग वेरिएंट लॉन्च हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो अब कैमरा की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें 3 कैमरा दिया गया है, जो कि पहला कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, जिसकी वाइड एंगल कैमरा है। दूसरा कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। इसके साथ में एक पीछे में एक LED फ्लैश देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल सभी फोन्स में होते हैं। और इसमें अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो 1080p पे आप 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके सेल्फी की बात करें, तो इसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें भी अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो 1080p पे 30fps तक ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसमें जो आप देखने को मिलता है कि 3.5mm जैक बहुत सारे फ़ोन में हटा दिए गए हैं, तो इस फ़ोन में 3.5mm जैक नहीं हटाया गया है। बाकी सब जो नॉर्मल फ़ोन में रहते हैं सारे फीचर्स, वो सारे दिए गए हैं। और हाँ, इसमें FM रेडियो भी दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। और इसमें फिंगरप्रिंट दिया गया है, जो कि साइड माउंटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलने वाला है। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और इसमें लिथियम पॉलीमर बैटरी दिया गया है, जो कि 5000mAh का है। और इसके साथ 18W का चार्जर, जो कि आपके फ़ोन को 2-2.5 घंटे में चार्ज कर ही देगा, टेंशन ना लें। लेकिन 18W को बढ़ा करके थोड़ा ज़्यादा कर देना चाहिए, क्योंकि अब 18W नॉर्मल हो गया है, अब आप इसको फास्ट चार्जर नहीं कह सकते हैं। इसके प्राइस की बात करें, तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला फ़ोन का प्राइस आपको 12,500 रुपये पड़ने वाला है। और इसके अलावा कोई भी अलग वेरियंट लॉन्च नहीं हुआ है। जैसे ही लॉन्च होगा, आपको इस चैनल पर सबसे पहले बता दिया जाएगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।